हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं हु इज माय फ्रेंड। तो हमारे पास एक पोएम है, कौन सा बच्चा पढ़ेगा इस पोएम को? सर मैं। पढ़ो। आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज इन द नाइट एंड थ्रू द डेज व्हेन आई रन ही रन्स विद मी समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही When it's dark, he can be seen. Do you know which friend I mean? ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये पोयम है ये एक पजल भी है। ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज, मेरे साथ हमेशा मेरा एक दोस्त रहता है जो कि रात में भी रहता है दिन में भी रहता है। When I runs, he runs with me, जब मैं भागता हूँ तो वो भी मेरे साथ भागता है। जब Sometimes I lead, sometimes he is. कभी वो मेरे आगे रहता है कभी वो मेरे पीछे रहता है। When it is dark, he cannot be seen. जब अंधेरा होता है तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। Do you know which friend I mean? क्या आपको पता है कि आप हम किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, हम शैडो की बात कर रहे हैं, छाया की बात कर रहे हैं, क्योंकि छाया में सारा ऐसा होता है। अब देखो, अब वो बोल रहे हैं जो ये पोएम है इस पोएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब वो बोल रहे हैं रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, विच लेटर हैज बीन यूज्ड मोस्ट एंड विच लेटर कम्स द लीस्ट। अब देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, कि कौन सा वर्ड इस पोएम में सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। वर्ड एक है वर्ड और एक है लेटर। ठीक है, वर्ड और लेटर में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्ड मतलब ये पूरा एक क्या है, वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन एक अलग वर्ड है, दीज एक अलग वर्ड है, आंसर एक अलग वर्ड है। तो ऐसे सारे वर्ड्स हमको लिखने हैं कॉपी में और उसके बाद हमको उस पर काउंटिंग करनी है कि कितने कितनी बार ये इस पोएम में आए हैं। फिर है लेटर। लेटर मतलब अकेला, ए बी सी डी जेड तक ये सारे लेटर्स हैं। फिर लेटर्स भी हम चेक कर लेंगे। क्लियर है? yes, चेक करें। ओके, हमने चेक कर रखे हैं। अब देखो, अब हमने जो ये वाली पोएम थी, ये पोएम सारी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखो, जैसे ये था ना कि आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज, तो हमने यहाँ लिख रहे हैं कि आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज। ठीक है, अब हमने पोएम में देखा और ये गिने कि आई कितनी बार आए हैं। देखो, आई हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर टाइम्स आए हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पे आए हैं, आई 1, 2, 3, 4। जब हम आई की बात करेंगे तो ये वाला आई नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला आई हम कब लेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, लेटर की। वर्ल्ड में नहीं आएगा ये, वर्ल्ड में अकेला आई आएगा। तो इसको पढ़ते हैं हम आई हैव। क्लियर है? तो वैसे हमने सारे नोट कर लिए हैं ये। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था कि विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड इस पोएम में आया है। अब देखो कौन सा आया सबसे ज्यादा बार, आई। कौन सा आया है, आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। विच लेटर हैज बीन यूज्ड मोस्ट, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। अब देखो यहाँ देखो, ये हमने लेटर के लिए भी लिखे हैं, जैसे ए लिखा है ना हमने 9। अब देखो ए हमने 9 कैसे गिना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 3। एक ही बात कर रहे हैं हम, फिर से गिन लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटी टाइम, और एक ही इसमें आया मीन में ए, 9 टाइम्स आया ना। यस सर। तो वैसे हमने सारे नोट कर लिए हैं, ए बी सी डी से लेकर और जेड तक कितनी कितनी बार आए हैं। कुछ ऐसे भी इसमें हैं जो कि सिर्फ क्या आए हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि कितनी बार आए हैं, एक भी बार नहीं आए, जो जीरो बार आए हैं। अब वो बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई। विच लेटर कम्स द लीस्ट, और कौन सा लेटर सबसे कम बार आया है, पी। सबसे कम बार कौन सा आया है सर, ये जीरो। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, तो एक्स जेड पी क्यू एक्स जेड और जे। तो पी क्यू एक्स जेड और जे कितनी बार आए हैं, ये जीरो बार। और एक वर्ड ऐसा है जो एक ही बार आया है, बी। ठीक है, तो लिस्ट जब हम सबसे कम वाली बात आएगी तो जीरो वाला लेंगे। सर यू भी आया जी। हाँ सॉरी, वी भी एक बार आया है, वी और बी सिर्फ एक ही बार आए हैं, लेकिन हम एक वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा वाला लेंगे, सबसे कम वाला, जो जीरो वाला है। क्लियर है? यस सर।